एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट सो आज की वीडियो इज अबाउट क्विक एंड ईजी मेकअप फॉर वर्किंग वेमेन इस पर मैं दो डिफरेंट मेकअप लुक्स क्रिएट करूँगी जो सिम्पल और प्रैक्टिकल होंगी एंड आई बी यूजिंग बोथ ड्रग स्टोर हाई इन प्रोडक्ट्स गाइज जनरली एंड इन योर वर्क लाइफ यू नीड टू फील गुड एंड कॉन्फिडेंट एंड लुक द बेस्ट वर्जन ऑफ यूर सेल्फ टू स्टे मोटिवेटेड एंड गिव योर बेस्ट एवरी डे सो चाहे आप मेरी लुस रिक्रिएट करें या कोई भी और लुक हो जस्ट कीप एंड माइंड यू शड नॉट कॉम्प्लिकेट योर लुक्स इट शुड भी डूएबल एंड यू शुड लुक फ्रेश एंड प्रेजेंटेव Before we start, make sure you subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram. Let's get started. सबसे पहला प्रोडक्ट है ये सुपर ग्रूप की सनस्क्रीन इट्स अ मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड्स हाइड्रेशन वर्क्स एज अ प्राइमर आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और इसमें एक सटल टिंट है जिससे आपकी स्किन इवन आउट हो जाती है प्राइमर और सनस्क्रीन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं प्रोफेशनल वमन के लिए प्राइमर एक्सटेंड्स द वेयर ऑफ ए फाउंडेशन आपके मेकअप को स्मूथ और फ्रेश रखता है एंड सनस्क्रीन प्रोवाइड्स यू प्रोटेक्शन अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक और मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट ये है टू फेस्ड का कंसीलर ये आपको इनफ कवरेज देगा आपके इम को कंसील भी करेगा एंड इट विल आल्सो इनहैस एंड डिफाइन योर फीचर्स प्रोफेशनल वेमेन के लिए मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं टू सेव टाइम एंड एफ़र्ट इन द मॉर्निंग वर्किंग वेमेन को मिड डे टचअप्स भी रिक्वायर्ड होते हैं इसलिए ये मल्टी यूज़ प्रोडक्ट्स कैन गेट द जॉब डन क्विकली मैं अपने कंसीलर को एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ ताकि स्किन में अच्छी तरह अब्जॉर्ब और ब्लेंड हो जाए और एक नेचुरल फिनिश दे नेक्स्ट टाइम यूजिंग दिस निक्स इल्यूमिनेटर और मैं इसको अपने हाई पॉइंट्स पे अप्लाई कर रही हूँ फॉर अ सटल ग्लो इस तरह की लुक के लिए बहुत नोटिसबल शिमर या शाइन नहीं लगानी चाहिए रादर एक ग्लोइंग फ्रॉम विद इन अपेयरेंस होनी चाहिए यू शुड हैव दैट रेडियंस एंड सटल शाइन इन ऑल द राइट प्लेसेस अब मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लोसी का क्लाउड पेंट जो बहुत सॉफ्टली मेरी चीक्स पे कलर ऐड करेगा मेकिंग माय फेस लुक हेल्थीयर रोजी एंड फ्रेश अगर आपकी ऑयली स्किन है आप चीक स्टेन यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप आप क्रीम ब्लाशेज यूज़ कर सकते हैं ड्राई स्किन पर भी क्रीम ब्लाशेज यूज़ हो सकते हैं बट देर आर चांसेज इट विल क्रैक वन इट ड्राइज अप मेकअप को सेट करना स्पेशली इस तरह की लुक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस का पाउडर टू सेट एवरीथिंग आप इसे टारगेटेड एप्लीकेशन करें या फिर फुल फेस हो पाउडर आपके एक्सेस ऑयल को एब्सॉर्ब करेगा और आपके मेकअप को इन प्लेस रखेगा स्मूथ रखेगा फॉर अ लॉन्गर टाइम अब मैं स्लीक मेकअप का कांटोर एंड ब्रॉन्जिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ टू सॉफ्टली डिफाइन माई फेस मुझे एक ओवरऑल नेचुरल फिनिश चाहिए फॉर दिस लुक नथिंग टू हैवी सो मेक श्योर आप जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करें वो अच्छी तरह ब्लेंडेड हो कोई हार्श लाइन्स ना हो राइट right शीट्स की एप्लीकेशन होनी चाहिए और ओवरऑल अंडरस्टेटेड लुक आनी चाहिए किसी भी लुक के लिए आईब्रोज का ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है दे फ्रेम योर फेस इफ़ योर आईब्रोज आर प्रॉपर्ली अप आपको एक फुल फेस ऑफ मेकअप की भी जरूरत नहीं पड़ती आई एम यूजिंग रिमेल ब्राउ जेल आप पाउडर शेड यूज़ कर सकते हैं ब्राउ जेल या फिर ब्राउ पेंसिल यूज़ कर सकते हैं वॉट एवर इज ईजियर क्विकर एंड समथिंग दैट यू कैन मैनेज इन लेस टाइम अब मैं यूज़ कर रही हूँ एक आई लैश कर्लर ये मेरी आईज को ओपन अप करेगा ब्राइटन अप करेगा इट हेल्प्स इन लिफ्टिंग द लैशेज एंड मेकिंग द आईज़ लुक सो मच वाइडर एंड मोर अवेक नाव अ मस्कारा विल लॉक इन द गर्ल एंड द लिफ्ट सो मैं यूज़ कर रही हूँ टॉप फेस का मस्कारा ऑन बोथ दी अपर एंड लोअर लैशेज एज द लास्ट स्टेप ऑफ आई मेकअप ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो इंस्टेंटली आपकी आइज को बिगर ब्राइटर और फ्रेश अपेयरेंस देता है कमिंग टू लिप्स यू शुड कीप इन माइंड आपके कुछ सेट शेड्स होने चाहिए फॉर एवरी डे वेयर एज आप इतनी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते फॉर ऑफिस वर्क लुक्स सो दिस सॉफ्ट सटल कलर बाइ स फोर दैट आई एम अपलाइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पिंक एंड मोफ जो आपके फेस को इंस्टेंटली फ्रेश करेगा प्रेजेंटेबल करेगा एंड रेडी फॉर वर्क टू फिनिश ऑफ एंड मेकअप को इंटैक्ट रखने के लिए आई एम यूजिंग नेक्स का सेटिंग स्प्रे सो गाइज ये थी मेरी लुक वन सिंपल येट सख्ली डिफाइंड फीचर्स और मेरा फोकस था टू वर्ड्स अ नेचुरल लुक जो पॉलिश और प्रोफेशनल लगे लेट स्टार्ट लुक टू सबसे पहले मैं को नैचुरल का रोज स्प्रे यूज़ कर रही हूँ टू रिफ्रेश एंड हाइड्रेट माई स्किन वर्किंग प्रोफेशनल वेमेन के लिए ये एक बहुत यूजफुल और अच्छा मल्टी यूज़ प्रोडक्ट है विच हेल्प्स इन प्रेपिंग द स्किन रिफ्रेशिंग द मेकअप ड्यूरिंग द डे या आपकी स्किन को इनफ मॉइस्चर देगा कीपिंग द स्किन फ्रेश टू कीप इट लाइट नेचुरल एंड नॉट अ मास्किंग अपेरेंस आई एम यूजिंग अ टिनटेड मॉस्चराइजर बाइट ऑफ फेस ये मेरी स्किन को हाइड्रेट करेगा वाइल्ड प्रोवाइडिंग सफिशेंट कवरेज ओवर इम्परफेक्शन और मेरी स्किन को ईवन आउट कर देगा ये टिनटेड मॉइस्चराइजर एस पी एफ के साथ फॉर्मुलेटेड है जो स्किन को प्रोटेक्ट करेगा फ्राम हार्मफुल यूवी रेस जो बहुत असेंशियल है इन योर मॉर्निंग मेकअप रूटीन इसको आप एफर्टलेसली अपनी फिंगर्स से अपलाई कर सकते हैं जो आपको एक बहुत अच्छी स्मूथ फिनिश देगा और टिनटेड मॉस्चराइजर्स बीबी क्रीम्स जैसी प्रोडक्ट्स प्रोफेशनल वेमन की मेकअप रूटीन के लिए बहुत अप्रोप्रिएट और बहुत

आप कंसीलर में एक से दो शेड्स लाइटर जा सकते हैं इफ़ योर हाई लाइटिंग और ब्राइटनिंग अप सर्टेन एरियाज़ फ़ेस को थोड़ी डेप्थ और डायमेंशन देने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टॉप फेस की कॉन्टोर स्टिक जिसको कॉन्ट्रोलिंग की पाउडर फिनिश नहीं पसंद वो क्रीमी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जो एक नेचुरली डिफाइंड फिनिश देगा और बहुत इजीली स्किन में ब्लेंड होगा आपका कॉन्ट्रोलिंगिंग प्रोडक्ट एटलीस्ट टू शेड्स डीपर होना चाहिए फ्रॉम योर फाउंडेशन और आपके सेट कॉन्टोरिंग स्पॉट्स होते हैं अलॉन्ग द जॉ लाइन अलॉन्ग द टेम्पल्स साइड्स ऑफ द नोज अंडर द चीक बोन्स एंड अंडर योर चिन

आई एम यूजिंग नेक्स ब्राउ जेल जो एक स्लाइट सा कलर एड करेगा एंड ब्राउज को इनप्लेस रखेगा आई ब्राउ जेल से इंस्टेंटली आपकी ब्राउज फुलर और ग्रूम्ड लगती हैं बट इफ यू गैस फील यू नीट टू फिल इन द गैप्स और क्रिएट अ शेप यू कैन यूज़ अ पाउडर पेंसिल एंड लेटर फिक्स दैम विद अ जेल अब मैं सिग्मा का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ आई एम टेकिंग दिस मैट ब्राउन कलर एंड अपलाइंग इट ऑन दी इंटायर आईलेट एज वेल एज द लोअर लाश लाइन अगर आपके पास मॉर्निंग में आई शेडोज़ का टाइम नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं बट आई जस्ट वॉटेड टू शो यू गाइज हाउ यू कैन एनहांस योर आइज विद अ सिंगल शेडो एंड मैट ब्राउन कलर एक बहुत ही सेफ कलर है जो आपकी आइज़ को नेचुरली डिफाइन करेगा नेक्स्ट टाइम गोइंग टू अपलाई काजल ऑन माई लोअर वाटर लाइन एंड दी अपर वाटर लाइन अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करने से आपकी आईज एक्सेंचुएटेड लगती हैं एंड इट मेक्स योर आई लैशिज लुक थे ऑल्सो इफ यूर नॉट अ काजल पर्सन यू कैन स्किप द स्टेप एंड अपलाई वाइट पेंसिल और एन आई लाइनर जो भी आपको सूट करता है एंड यूर कम्फर्टेबल वेयरिंग अब मैं मे का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ टू ओपन अप माय आईज एंड मेक देम लुक बिगर एंड मोर अवेक वर्किंग वेमेन को वाटर प्रूफ फार्मूलाज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो स्वेट प्रूफ हो वाटर रेजिस्टेंट हो सो दैट मिड डे आपका कोई मस्कारा आई जैसा ब्लंडर ना हो एंड यू डोंट हैव टू टच अप Now नाउ आईम यूजिंग दिस पिंक शिमरी ब्लश बाई निक्स टू एड ब्राइटनेस एंड healthy rosy glow to the face. मैंने इस लुक में हाइलाइटर यूज़ नहीं किया इसलिए मैं ब्लश का शिमरी टेक्सचर यूज़ कर रही हूँ बट आप वो फॉर्मूला यूज़ करें जो आपके मेकअप को कॉम्प्लीमेंट करे या जो आपको सूट करता है हाईलाइटर्स ब्लश ब्रॉन्जिंग कॉन्ट्रोलिंग ऐसे स्टेप्स हैं जिनकी इंटेंसिटी के साथ आप प्ले कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं लिप्स के लिए मैं दो शेड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरी फर्स्ट लुक में एक मैट कलर था और वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट शेड था सो फॉर दिस लुक आई एम कीपिंग इट अबिट ग्लॉसी फॉर दोज हु आर नॉट कंफर्टेबल विद मैट टेक्सचर्स एंड एज माय आईज आर अब बिट एनहसड इन दिस लुक आई एम कीपिंग माई लिप्स सॉफ्ट एंड ग्लॉसी टू बैलेंस एंड न्यूट्रलाइज द लुक फर्स्ट आईम अपलाइंग काईली कॉस्मेटिक्स का लिक्विड लिपस्टिक कोकोके एंड ऑन टॉप ऑफ फेट आईम अपलाइंग द स्मार्फी लिप क्लॉस फ्रोज सो गाइज आई एम डन विद लुक टू दिस वॉज अ बिट मोर एनहैंस्ड मेनली फोकसिंग ऑन माई आई फीचर मेरा मेन एम था थोड़ा सा ग्लैमर एड करना बट ओवरऑल एक अंडरस्टेटेड लुक आए और आपकी ये लुक वेरेबल हो टू एनी ऑफ योर फॉर्मल वर्क इवेंट्स आई होप मेरी ये लुक्स आपके लिए यूजफुल हों और आप इनको इजिली रिक्रिएट कर सकें जो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं आर मैं इन द डिस्क्रिप्शन बिलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज इफ यू लाइक द वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल स्टे टून फॉर लॉट्स मॉर लॉट्स ऑफ लव